आज बस बस के मजा आ गया। मनीषा जी भाड़ा जी गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मस्त बढ़िया। मनीषा रानी की तरह बिंदास। आप वेट कर रहे थे, आपका वेट कर रहे थे। कैसा माहौल चल रहा है आपका आजकल बिग बॉस के निकलने के बाद? बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया। अपकमिंग प्रोजेक्ट है मनीषा जो बहुत जल्द हमें आप देखने को मिले स्क्रीन पे? हाँ है, बट अभी रिवील नहीं कर सकते, मना किया गया, बट जो भी होगा सोशल मीडिया में आप लोगों को पता चल जाएगा। मनीषा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बिग बॉस में सब चीज़ें हुई अभिषेक के साथ, जो कि पार्शियलिटी हुई मेरे ख्याल से लगता है और जनता के हिसाब से, आपको क्या लगता है अभिषेक के साथ पार्शियलिटी हुई? क्योंकि पूजा भट्ट से उनका जो मतभेद था और जो इनकी जो सोच विचारों में जो मतभेद था, और पूजा ने भी बहुत कुछ कहा, अभिषेक ने भी बहुत कहा, उसका हर जाना तो कहीं अभिषेक को भूलना नहीं पड़ा इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एल्विस जीता तो एल्विस को लोग बाहर बहुत पसंद कर रहे थे, नो डाउट। अभिषेक बहुत अच्छा खेला और वो ऑलरेडी विनर है क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीता, बट एल्विस भी बहुत अच्छा था, तो अगर वो जीता है तो इसमें आई डोंट थिंक कि बिग बॉस ने कुछ ऐसा किया। बाहर उसका फैन फॉलोइंग इतना तगड़ा है कि फिर वो जीत गया, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, पूजा का